नमस्कार प्रणाम। आप सभी सहारा इंडिया निवेशकों एवं जमाकर्ताओं का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नई वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन विद पीके पर। मैं हूं पिंकू कुमार प्रजापत और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद पीके। जैसा कि हमारे जितने भी सहारा जमाकर्ता बंधुगण अपने पैसे को लेकर काफ़ी दिनों से परेशान हैं और सहारा रिफंड पोर्टल पर जो भुगतान की प्रक्रिया है काफ़ी जटिल प्रक्रिया बन चुकी है, ऐसी स्थिति में निवेशकों का पैसा न मिलने से उनको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तमाम प्रकार की तकलीफें झेल रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अपने पैसे को लेकर के, उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, इसी के मध्य नज़र रखते हुए आज का जो वीडियो आपके समक्ष हम लेकर के चल रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो सहारा इंडिया का पैसा है वो कब तक और कैसे मिलने की संभावना लग सकती है। सभी का एक ही प्रश्न है, सभी के मन में एक ही मुद्दा उठ रहा है कि सहारा इंडिया का पैसा आखिर कब तक मिल सकता है। तो इसी के ऊपर हम संक्षेप में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपका भी पैसा सहारा इंडिया के अंतर्गत फंसा हुआ है या कह लें सहारा की जो भी सोसाइटियां हैं उनमें आपका पैसा फंसा हुआ है, और भी देश में ऐसी कई चिटफंड कंपनियाँ हैं जिनमें आप लोगों का पैसा काफ़ी मात्रा में फंसा हुआ है, क्योंकि देश में 42 से 43 करोड़ ठगी पीड़ितों का पैसा फंसा हुआ है। तो उसी के ऊपर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि आपका पैसा क्या चुनाव से पहले मिल सकता है या नहीं। सभी के मन में एक ही अब लालसा रह गई है कि चुनाव के नज़दीक हो सकता है पैसा मिल जाए, तो उसी के ऊपर हम वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध करूंगा कि कृपया हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंच सके। तो सारा बंधु, आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम आपका समय न वेस्ट करते हुए सीधे वीडियो पर चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सहारा इंडिया रिफंड अपडेट। सहारा इंडिया का पैसा कब तक मिल सकता है? जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है कि चुनाव से पहले आप सभी का पैसा पाई पाई लौटाया जाएगा। ये किसका कहना है और इसकी क्या चर्चा है, उसी को हम बताने के लिए आज आए हुए हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा है, चुनाव नज़दीक है, चुनाव के माहौल में जो भी बैठकें चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं, तो सहारा इंडिया का भी कहीं ना कहीं जिक्र किया जा रहा है। सहारा का जो पैसा फंसा हुआ है, इसमें 42 से 43 करोड़ ठगी पीड़ितों का पैसा फंसा हुआ है, तो उनको भी कहीं ना कहीं डर है। चुनाव नज़दीक आ रहा है जैसे जैसे, और हम लोगों की जो ताकत है, हम लोगों की आवाज़ें हैं, जो भी संगठन मिलकर आवाज़ों को उठा रहे हैं, अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं, ये आवाज़ें सरकार के कानों तक ज़रूर पहुंचती हैं। इन्हीं आवाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार भी कुछ न कुछ हम लोगों के लिए चेंजेस ज़रूर करेगी। 42 से 43 करोड़ जो ठगी पीड़ित हैं, क्या संख्या छोटी है? आपके मन में जो है थोड़ा मेथड लगाइए कि 42 से 43 करोड़ जो जनता है परेशान है, उसका पैसा नहीं मिल रहा है, ये अगर मान लीजिए चुनाव में वोट ना करे, अदर दल को वोट कर दे, तो क्या इन पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा? बहुत भारी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो है हम लोगों के ऊपर ये बताया जा रहा है, अब चाहे हम लोगों को तसल्ली ही दे रहे हों ये लोग या फिर सही में सांत्वना दे रहे हों, ये तो उनकी मर्ज़ी है। यही
बताया जा रहा है कि जो भी निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है उसका जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा और जल्द से जल्द पैसा दिलवाने का कार्य किया जाएगा। और माननीय सहकारिता मंत्री जी जो पोर्टल लाए हुए थे सहारा रिफंड पोर्टल, इससे तो हालांकि भुगतान नहीं ही हो पाया, हो रहा है भुगतान ऐसा नहीं है, उससे बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही स्लो स्पीड से भुगतान हो रहा है, क्योंकि इसमें उन लोगों का ही भुगतान हो रहा है जिन लोगों का स्टेटस ऑलरेडी क्लेम प्रोसेस में लगा हुआ है। अब बात करें क्लेम प्रोसेस की, तो क्लेम प्रोसेस लगभग लगभग 20% लोगों का होगा, क्योंकि 18% जो है आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया गया CRCS के द्वारा डेफिशिएंसी का मैसेज भेजकर। इसीलिए जो भी क्लेम प्रोसेस वाले स्टेटस रह गए, आवेदन रह गए, तो बहुत ज़्यादा 20%, तो इसी कारण उसी से जो पोर्टल से भुगतान हो रहा, तो 20% भुगतान बहुत ही स्लो स्पीड में हो रहा, वो भी फेज वाइज। फर्स्ट फेज में 10,000 रुपया और सेकेंड फेज में 19,999 रुपये, यानी कि 20,000 रुपये सेकेंड फेज में, फर्स्ट फेज में 10,000 रुपये, इस प्रकार से भुगतान की प्रक्रिया चल रही। लेकिन जो हमने बताया है अपडेट कि चुनाव से पहले हम लोगों का पैसा मिलने की बात तो चल रही है, अब खैर ना आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में है, जैसी जानकारी मिलती है और इमेजिन की जाती है वैसी आप सभी को बताने का मैं प्रयास करता रहता हूँ। तो दोस्तों, आपके क्या मन में है कि चुनाव से पहले हम लोगों का पैसा मिल जाएगा या नहीं, एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, अपनी राय को ज़रूर थोड़ा बहुत हमें भी बताया करें जिससे हमें भी कुछ मालूम हो। और दोस्तों, हमें तो लग रहा है क्योंकि 42 से 43 करोड़ ठगी पीड़ितों की जो संख्या है, अगर ये अपने अपना मन बना ले किसी अलग दल को वोट करने का, तो काफ़ी बड़ा झटका पड़ने वाला है प्रेजेंट टाइम में जो सरकार है। तो ऐसी स्थिति में सरकार कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए ज़रूर जो है प्रयास करेगी, बदलाव करेगी। खैर दोस्तों, हम यहीं पर अपनी वीडियो को विराम देना चाहेंगे, वीडियो को एंड करना चाहेंगे। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो दोस्तों, यहीं पर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं और जो है मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, जय जवान, जय किसान।